तो किसान आंदोलन से जुड़ा आज बेहद खास दिन है। हालात सामान्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कमान संभाल रहे हैं। वो आज से उपवास पर बैठेंगे। वहीं दिल्ली में आज किसानों की बड़ी बैठक होनी है, ये चार तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। वहीं गांधी पीस फाउंडेशन में आज 62 किसान संगठन एक साथ होंगे और किसानों की समस्याओं पर विचार करेंगे। वहीं मंदसौर में पुलिस प्रशासन डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है, लोगों से डीएम और एसपी मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने देश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सैयद आमिर मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सैयद, एक तरफ सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठे हैं, वहीं दिल्ली में तमाम जो किसान संगठन हैं वो मौजूद हैं। किस तरह की सरगर्मियां फिलहाल वहां पर देख रहे हैं आप? पयोधी, सबसे पहले तो मैं उस मांग को बता दूं जिसको लेकर के संगठन यहां पर बैठे हुए हैं। हाँ। पहली मांग ये है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है किसानों की, जो कॉर्प की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, खेती की प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है, उसका 50% वो मांग रहे हैं कि उसका प्रॉफिट दिया जाए सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ ये जो कर्ज माफ़ी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि वादे तो बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, घोषणाएँ भी हो चुकी हैं, चुनाव में उसका फ़ायदा भी उठाया जा चुका है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में अभी वो उससे बहुत दूर है। यानी किसान जो है, किसान के कर्ज माफ़ी को लेकर के वो मांग कर रहे हैं कि उनका कर्ज माफ़ किया जाए, जो कि 5 लाख करोड़ के करीब आता है। दूसरा ये कि जो आज 62 संगठन हैं वो यहाँ पर ये तय करेंगे कि आगे का इसे देशव्यापी आंदोलन कैसे बनाया जाए। ये इनका ये कहना है कि ये सिर्फ मंदसौर का मामला नहीं है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। सैयद, आपके आपका फिर से रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन अब आग उगल रहा है, वहीं किसानों को लेकर, कर्ज माफी को लेकर अब कृषि मंत्री का बयान आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, ये कहा है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने।